जैसे आप केबिन वगैरह चाहते हैं, किसी ऑफिस में लगाना चाहते हैं, तो अब आप इसमें इसकी आवाज भी सुन पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा वॉलपेपर है, इम्पोर्टेड है, आपको 650 की रेंज में मिल जाएगा, 650 की रेंज में। आप इसकी आवाज भी सुनिए, इसकी इम्बोजिंग देखिए। इसमें 150 स्क्वायर फीट मटेरियल है, टेक्सचर हैवी, इसको वहाँ लगा के एनहांस किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। ये HD पेपर है, 3D ग्लास लुक में आ गया, ये ग्लिटर में आ गया, स्टिकर की तरह आप इसको दीवार पे चिपका सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो इम्पोर्टेड वॉलपेपर अगर आप लोगों को चीपेस्ट प्राइस में चाहिए, तो आप लोगों को कहाँ पर आना है? सिर्फ रेड एंड वाइन पे। A few inches later. आदाब अभिनंदन आभार, मैं हूं मानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है एक बार फिर से वॉलपेपर होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक से एक जबरदस्त क्वालिटी वाले वॉलपेपर आप लोगों को मिलने वाले हैं। रिटेल, होलसेल और बल्क में भी डील करते हैं, जैसा आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो वैसा मिल जाएगा आप लोगों को। आज मैं आया हूँ रेड एंड वाइन, और इनकी लोकेशन पड़ती है कीर्ति नगर में। तो चलिए मिलते हैं सर से और देखते हैं क्या क्या क्वालिटी से वॉलपेपर वगैरह मिल जाते हैं, और कई चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रास वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम आ चुके हैं रेड एंड वाइन स्टोर के अंदर, और यहाँ मिलते हैं आके ओनर से। कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सफलता है, और जो हमारी कंपनी का नाम है वो रेड एंड वाइन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड है। हमारा जो स्टोर है कीर्ति नगर डेली के अंदर है, तो अगर कस्टमर्स आना चाहते हैं और किसी तरीके से उनको कोई भी एड्रेस में प्रॉब्लम होता है, तो एक बार वो कॉल कर सकते हैं कंपनी में। और किन किन चीजों में डील करते हैं आप? वॉलपेपर्स में हम डील करते हैं। वॉलपेपर्स में जितने भी स्टाइल के वॉलपेपर्स आते हैं आजकल मार्केट में, 2D, 3D, 4D कस्टमाइज वॉलपेपर, जैसे पीछे लगा हुआ काफी प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ये 3D पैटर्न है, इस तरीके के सारे ही वॉलपेपर्स में हम डील करते हैं। और होम डेकोर के और भी आइटम्स वगैरह होते हैं? बिल्कुल, होम डेकोर के और भी आइटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल ग्रास मिल जाएगी, वर्टिकल गार्डन मिल जाएगा जी, और इस तरीके से फ्लोरिंग मिल जाएगी आपको हमारे पास, कस्टमाइज ब्लाइंड्स मिल जाएंगी, बहुत सारे और भी नए नए प्रोडक्ट्स। आपका रिटेल है या होलसेल है बेसिकली? हम दोनों में डील करते हैं, रिटेल और होलसेल दोनों में ही डील करते हैं। तो कस्टमर अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो रिटेल और होलसेल दोनों ही यहाँ से। तो अगर मैं वॉलपेपर की बात करूँ तो कितने से स्टार्टिंग मिलेगा आपके यहाँ? देखिए, वॉलपेपर्स की अगर एज की बात करते हैं, क्योंकि सब कस्टमर्स का बजट जो होता है एक जैसा नहीं होता, 500 रुपए से लेके 5000 तक की रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके, और इस तरीके के सारे ही प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर्स। 500 जो बता रही है स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है? ये 57 स्क्वायर फीट का रेट बता रही हूँ। अच्छा। पर रोल 500 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पर रोल 500 का? हाँ जी, पर रोल 500 से स्टार्ट हो जाता है, और 5000 तक के रोल्स आते हैं। सारे ही वॉलपेपर्स जो हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के, किसी भी तरीके के बी ग्रेड वॉलपेपर्स में या स्क्रैप वॉलपेपर्स में हम डील नहीं करते। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होने वाली है मैम वॉलपेपर्स की? देखिए, रेंज जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 500 रुपए से रोल स्टार्ट हो जाता है। तो 500 रुपए से लेकर 5000 की रेंज यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स सारी मिलने वाली, बेसिक वाली भी है, हाई एंड भी है, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। तो देखिए, सारे डिजाइन तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी एक वीडियो में। जैसे ये वॉलपेपर आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा वॉलपेपर है, इम्पोर्टेड है। अच्छा। और कस्टमर्स का मेन एक क्वेश्चन होता है कि क्या मैम ये पीवीसी कोटेड है? सारे ही वॉलपेपर्स पीवीसी कोटेड होते हैं, बिना पीवीसी के कोई भी पेपर नहीं होता। ये आपको 500 की रेंज में मिल जाएगा, ये आपको 650 की रेंज में मिल जाएगा। इसमें कि आप जैसे आप देख रहे, कैमरे को थोड़ा पास लाइए तो आप देख रहे, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर का यूज होगा। तो जिस तरीके से वॉलपेपर लगाना सब कुछ नहीं है, वॉलपेपर के हिसाब से उस एरिया का इंटीरियर होना बहुत जरूरी है। हमने वॉलपेपर लगा लिया, अगर वहाँ के कॉम्बिनेशन हम उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो वो वॉलपेपर उतना एनहांस नहीं हो पाएगा। बाकी अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, एक रोल ये आपको मिल जाएगा 650 की रेंज में। बहुत सुंदर रोल है, आप एक वॉल पे लगा के इसको एनहांस कर सकते हैं, बाकी वॉल पे लाइट कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी वॉलपेपर्स हैं ये बेसिकली क्या वॉशेबल होते हैं? कैसे गीले कपड़े साफ कर सकते हैं इसको? वॉलपेपर्स बिल्कुल वॉशेबल होते हैं। कस्टमर्स का ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि लगाने से पहले उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने इसको कोई धोना नहीं होता, नॉर्मल क्लीन करना होता है। तो कभी भी आप कोई भी क्लीन क्लोथ लेके आप इसको वाइप कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं। इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स आते हैं। सपोज कीजिए, मैंने आपको एक ये वॉलपेपर जैसे दिखाया, तो अगर आपका बेड है, आप पीछे इस वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं, और उसके साथ अगर आप पेंट की जगह टेक्सचर्स का यूज करना चाहते हैं, मोस्टली लोगों को पेंट का प्रॉब्लम हो गया है टाइम को लेके, तो इस तरीके से आप साइड में जहाँ पेंट का कलर कराते हैं उस तरीके के टेक्सचर्स यूज हो जाएंगे। ये टेक्सचर्स भी आपको 500 से लेके 5000 तक की रेंज के टेक्सचर्स आते हैं। आप इस तरीके से स्काई व्यू देख रहे होंगे बच्चों के रूम में, स्कूल्स में, कहीं पे भी अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, इस तरीके का रोल आप लगा सकते हैं। और बाकी टेक्सचर्स में अगर हम बात करते हैं ऑफिस तो काफी डिजाइन वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत सारे शेड्स हैं। जैसे आप केबिन वगैरह चाहते हैं, किसी ऑफिस में लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का टेक्सचर का यूज कर सकते हैं। बाकी 3D के अंदर इस तरीके के पैटर्न्स भी आ जाएंगे। थिकनेस वाइज देख रहा हूं, काफी हैवी दे रखा है। कस्टमर्स को कहती हूँ, यहाँ मेन रेड एंड वाइन में हम ये नहीं कहेंगे थिकनेस वाइज, क्योंकि देखिए क्वालिटी बढ़ेगी तो वेट भी वॉलपेपर बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये मैंने आपको जो दिखाया, ये 500 650 की रेंज में दिखाया रेंज, अब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत हैवी क्वालिटी
क्वालिटी के वॉलपेपर्स। जी जी ठीक है ना। तो कस्टमर आइए, देखिए, टच कीजिए, फील कीजिए, उसके बाद बाय कीजिए, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हैवी टेक्सचर्स की बात करते हैं, जिस तरीके के आप देखते हैं मैरिज हॉल वगैरह में कुछ ग्लिटर के साथ, अब आप इसमें इसकी आवाज भी सुन पा रहे हैं, तो क्वालिटी अच्छी होती है। मैं अपने कस्टमर्स को ये चीज कहती हूँ, क्योंकि उनका पूछना नॉर्मल बिल्कुल ठीक है, जो आज से पहले किसी ने वॉलपेपर जब लगाया ही नहीं है तो, बट ऑब्वियस है कि उनको नहीं पता, और उनको बताने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो चीज लेके जा रहे हैं, जो टेक्सचर लेके जा रहे हैं, उसको उनके बारे में पता होना चाहिए। इनको लगाने का बेनिफिट ये है कि जो रूम की जो लुक है बेसिकली और एनहांस हो जाती है। बिल्कुल, ये इंटीरियर में यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है, और आप इसको रूम पे लगाते हैं, किसी भी एरिया में लगाते हैं, वो एरिया एनहांस हो जाता है। जी जी जी। इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि बहुत ही सुंदर, मेरे पास कस्टमर्स ब्लाइंड भी मिल जाएंगी आपको, तो आप इसको भी प्रिंट करा सकते हैं, और कस्टमाइज वॉलपेपर्स भी सामने लगे हुए हैं, आप जैसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं दो रूम्स में आपने अच्छा, इस तरह से डिजाइन भी मिल जाती है मैम, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे। अगर आपको सिंगल इमेज या नेचर से रिलेटेड चाहिए वो भी मिल जाएगा, किड्स के पैटर्न में मिल जाएंगे। इसका वेट चाहे तो आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत हैवी रोल है कस्टमर्स को इस वक्त। आप इसकी आवाज भी सुनिए, इसकी इम्पोजिंग देखिए, तो जब क्वालिटी बढ़ेगी तो प्राइसेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी है। टेक्सचर बहुत हैवी है, हैवी एम्बोस के अंदर है, और इसका वजन भी 1.5 से 2.5 किलो के आसपास रहेगा। तो ये किस रेंज के पड़ जाते हैं मैम, अगर इस तरह का कोई लेना चाहे तो? बिल्कुल, ये जैसे आप ये रोल देख रहे हैं जितने भी, इसमें हर रेंज के वॉलपेपर्स है, वहाँ मैंने आपको दिखाया 500 साढ़े 600 वो बेसिक रेंज है हमारी, तो ये वॉलपेपर्स आपको 1500 1600 1800 अलग अलग रेंज में आते हैं वॉलपेपर्स। मतलब कस्टमर का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। अगर कोई लाइट पैटर्न चाहता है तो इस तरीके से एक ये बहुत सुंदर डिजाइन है, ये भी आपको यहाँ मिल जाए, ये बहुत प्यारा है, वॉल पे लगने के बाद बहुत सुंदर लुक आता है। जितना भी कलेक्शन है मैं खुद अपने हिसाब से मंगाती हूँ कि हाँ जो चीज मैं अपने घर में लगाना कंफर्टेबल समझूं, तो मैं भी चाहूंगी कि इस तरीके का हम मंगाते हैं मटेरियल के हमारे मोस्टली कस्टमर्स को पसंद आए, क्योंकि सब किसी को जिम में लगाना है, किसी को स्कूल में लगाना है, अलग अलग एरिया में लगना है। दिल्ली में रूम्स वगैरह होते हैं 10x10 की वॉल है, तो उस पे कितने रोल लग जाएंगे? 10x10 में दो रोल लगेंगे 57 square feet का। अगर मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, कस्टमर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आप रोल मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 21 इंचेस का रोल है, 57 स्क्वायर फीट मटेरियल है। अच्छा। 7 स्क्वायर फीट हर रोल में एक्स्ट्रा दिया जाता है कटिंग और मैचिंग के लिए, 50 ही वॉल पे कंज्यूम होता है, तो 10x10 = 100 square feet, वहाँ आपके दो रोल्स आ जाएंगे। अगर उससे ऊपर सपोज कीजिए 110 square feet 120 आया, तो वहाँ तीसरा रोल हमारा ओपन हो जाता है। अगर वॉल किसी की बड़ी हुई तो वहाँ पे 3 रोल। आप जब भी हमारे स्टोर पे आइए प्लीज अपने वॉल्स का साइज लेके आइए, और हो सके तो वहाँ के इंटीरियर इमेज लेके आइए, यहाँ पे आपको इंटीरियर डिजाइनर्स गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और बाकी इस तरीके से इनकी इंस्टॉलेशन जो रहती है वो दिल्ली NCR में आपको 300 रुपए मिल जाएगी, बाकी इंस्टॉलेशन के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 300 रुपए मतलब एक वॉल पे लगाने के लिए या एक रोल के 300 रुपीज चार्जेस है दिल्ली NCR में, बाकी फिक्सर्स हर जगह मिल जाते हैं, ये फ्रीलांसर्स होते हैं। अच्छा, कोई भी कंपनी के अपने फिक्सर्स नहीं होते, ये सब फ्रीलांसर्स होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पड़ेगा जो 300 बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कह लीजिए या इंक्लूड, लोग इंक्लूड करके इसको बताते हैं। सपोज कीजिए 500 का रोल बेच रहे हैं, बताएंगे हाँ 500 रुपए प्लस 300 इंक्लूड करके बता देंगे पैकेज बना के, बट हमारे पास ये नहीं है क्योंकि हमारा पैन इंडिया डिलीवरी होती है, तो 300 रुपीज एक्स्ट्रा होते हैं, आप साइड पर दे सकते हैं। वॉलपेपर लगवाता है अपने वॉल पे, तो बेसिकली लाइफ क्या होती है, कितने टाइम तक ड्यूरेबिलिटी रहती है? देखिए वॉलपेपर की लाइफ डिपेंड करती है, अगर किसी की सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, अगर वॉल पे किसी तरीके का मॉइस्चर है तो प्लीज उस मॉइस्चर को पीओपी से पहले आप उस वॉल को स्मूथ करा लीजिए, क्योंकि वॉल का स्मूथ होना बहुत जरूरी है, और प्राइमर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्मूथ होगी वॉलपेपर उतना ही आपका अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप बात करते हैं इसकी लाइफ की, तो 6-7 साल ये आराम से चलता है, ऐसा कुछ नहीं, लोग 10-10 साल चलाते हैं, रिमूविंग की कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, वॉलपेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हो सकता है कि वॉल्स पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल मकानों में तराई नहीं होती, इसकी कोई इशू नहीं आ रहा ना? नहीं, कोई इशू नहीं आता, सारे प्रोफेशनल फिक्सर्स है, बहुत ट्रेंड फिक्सर्स। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैम के शोरूम में पूरा वॉलपेपर लगा हुआ, हर वॉल पे बेसिकली लगा हुआ, तो काफी अच्छी लुक आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको दिखा रही हूँ जंबो रोल्स, इसमें जैसे कि 21 इंचेस का वो रोल होता है, इसमें एडजस्टेबल 42 इंचेस का होता है। कस्टमर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैम ये एक रोल लगेगा, ये एक रोल नहीं होता, ये 2 और 3 की पैकिंग आती है। अच्छा। यानी कि इसमें 150 से 100 मतलब 100 square feet का रोल भी आता है, 150 square feet का रोल भी आता है। तो इसमें 150 स्क्वायर फीट मटेरियल है, ये टेक्सचर है हैवी। इसका प्लस पॉइंट ये होता है इसमें जॉइंट्स कम आते हैं। अच्छा। 21 इंचेस पे जो रिपीट होता है इसमें, उसको लगने के बहुत अच्छी स्मूथनेस आती है, वॉल पेंट और इसमें टोटली डिफरेंस आएगा। आप देख रहे होंगे इसमें जिस तरीके का टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे, जब ये लग जाता है तो उस रूम का लुक वाकई बहुत अच्छा था। बाकी लाइट इफेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, इसमें कलर्स मिल जाएंगे टेक्सचर्स के अंदर आपको बहुत सारे क्वालिटी।
जिनकी बड़ी वॉल है देखिए, हाँ बिल्कुल, रिजॉर्ट वगैरह होटल्स में लोग लगवाते हैं क्योंकि वहाँ हाइट का प्रॉब्लम होता है, तो फिक्सर्स के लिए भी इजी हो जाता है लगाने में। बाकी केबिन्स वगैरह ऑफिस वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, रूम्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिजाइन मिलने वाली है, ये देख सकते हैं आप लोग, हर कलर पैटर्न आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए हर वॉल पेपर 500 का नहीं होता, और अच्छी चीज, बट ऑब्वियस है कि कोई भी चीज जब अच्छी होगी तो उसकी रेंज भी बढ़ेगी, कॉस्टली तो बढ़ेगी। हमारे पास 500 से लेके 5000 की रेंज मिल जाएगी, बाकी रेंज जो है, कभी कभी ये होता है कि हमारा कोई स्कीम आती है कुछ, तो उसमें कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है, तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 99% कस्टमर्स हमारे पास से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनका फेथ जो हम पर बना है और आगे भी यूं ही बना रहे। तो वर्टिकल गार्डन है, अगर किसी भी पिलर को या किसी चीज को एनहांस करना चाहते हैं तो इसको वहां लगा के एनहांस किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। बालकनी में लगा सकते हैं आप, किसी भी होटल के बाहर जो एरिया होते हैं उसमें लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप ग्रीनरी देकर उस एरिया को एनहांस कर सकते हैं। तो क्वालिटी आप लोगों को बहुत ही ऑसम मिलने वाली है यहाँ पर, प्लीज और प्लीज कस्टमर आए देखें उसके बाद लें। बिल्कुल, तो हम आ चुके हैं मैम के वेयर हाउस में, यहाँ देख सकते हैं पूरा रोल रखे हुए हैं सारे, एक से एक रोल, डिजाइन वगैरह सब कुछ मिलने वाली है आप लोगों को, पूरा स्टॉक यहाँ पे भरा हुआ है। कस्टमर का मेन ये होता है कि मैम ये रोल हमारे पास आएगा कैसे, तो इस तरीके से पैक्ड रोल आपके पास आएगा, और आराम से इसका कोई कोरियर चार्जेस जो भी होंगे वो कस्टमर को क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि हर रोल का वेट अलग होता है। दिल्ली के बाहर का अगर कोई मंगवाना चाहे तो आप कोरियर करवा देंगे ना वहाँ पर? कोरियर करा देंगे, और जो भी इस पे GST आता है 18% वो उनको पे करना होगा। ओके, वो एडिशनल देना पड़ेगा। होलसेल के लिए जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नीचे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमसे बात कर सकते हैं कंपनी में, तो होलसेल के लिए और रिटेल के लिए दोनों को ही हम एंटरटेन। होलसेल में कुछ प्राइस का बेनिफिट होने वाला उनको, बट वैसे कि देखिए अगर कोई चीज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आप अपना मटेरियल उसके वॉल्यूम से ले रहे हैं, तो फर्क पड़ता है कि आप कितना स्टॉक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस में भी फर्क। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपसे जुड़ करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कितने मिनिमम तक का मटेरियल मंगवा सकता है आपसे? देखिए मिनिमम का नहीं होता, अगर हम बिजनेस की बात करें, क्योंकि अगर मैं कहूँगी एक प्रैक्टिकल बंदा अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अगर इस अमाउंट को लेके चलते हैं कि हाँ आप कैटलॉग्स लेके 5 से 6 हज़ार के कैटलॉग्स लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप बिजनेस प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। ये मत सोचिए कि आपको बिजनेस थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए करना है, कोई भी बिजनेस में आपका इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास इतने सारे लोग पूरी इंडिया ही नहीं, हर जगह से जुड़े हुए हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आज बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपना 100% उस बिजनेस में पॉजिटिव दिखाई और बिजनेस को ग्रोथ मिली ही मिली। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस को किस तरीके से करना चाहते हैं। कस्टमाइज आपकी वॉलपेपर्स की कैटलॉग है, सक्सेस सीरीज के नाम से है। इसके अंदर सारे ही डिजाइन आपको मिल जाएंगे, घर के हिसाब से चाहिए या कैफे या बच्चों के हिसाब से। सिंगल इमेज जैसे मैंने आपको बताया बुद्धा वगैरह का इमेज चाहिए तो इसमें आपको मिल जाएगा, स्पिरिचुअल डिजाइन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इस तरह के जो वॉल है इस पे कोई कस्टमाइज कराना चाहे तो वो ऑप्शन बता रहे हैं? बिल्कुल, ऑप्शन में आपको ये बता रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पर्टिकुलर उसको मैंने एरिया अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट किया हुआ है। और तो इस तरीके से आप किसी भी स्पा में, होटल में या कहीं पे भी अपना सिटिंग एरिया देना चाहते हैं, एलईडी पैनल को एनहांस करना चाहते हैं, घर में चाहते हैं कि तीन कमरों में तो आपने वॉलपेपर लगवा लिया, एक में कुछ डिफरेंट लुक देना है, तो आप इस तरीके से अपनी डिजाइन की फोटो वगैरह आपको दे करके करवाना चाहे तो भी पॉसिबल है। देखिए कस्टमर्स का क्या, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिजाइन दिया हाँ बन जाएगा कुछ, ऐसा नहीं, बट हम अपने कस्टमर्स को कहेंगे देखिए इमेज का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी कैटलॉग आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये प्रिंट्स हो चुके हैं। अच्छा। तो इसमें क्लियरिटी आ चुकी है। जी जी। तो क्लियरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी वैरायटीज आप लोगों को मिलने वाली है दोस्तों। बिल्कुल। जैसा और मैं आपको बता दूं कस्टमर यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि वॉलपेपर की तरह इसका रोल नहीं आता, ये कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है। अच्छा। ऑर्डर बेसिस पे 1 से 2 दिन का इसमें समय लगता है, और आपको प्रॉपर अपने वॉल का साइज इसमें देना होता है। ये HD पेपर है, ठीक है, ये कैटलॉग में HD पेपर, PVC, उसके बाद हमारा ये थोड़ा सा 3D ग्लास लुक में आ गया, ये ग्लिटर में आ गया, आपका ये आ गया फ्रॉस्टेड फिल्म आ गई, आपकी नॉन वूवन पेपर आ गई, इसमें बहुत सारे पेपर कस्टमर चाहे वैसा आप इसमें डिजाइन करवा देंगे। इसमें जिस तरीके का पेपर क्वालिटी वो चाहते हैं वो हो जाएगी। इसके जो चार्जेस हैं वो 45-50 रुपीस से स्टार्ट होता है, इस तरीके से पेपर की क्वालिटी चेंज होती जाती है, उस हिसाब से उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता जाता है। स्प्रे पेंट्स हैं, इसको किसी भी प्रोडक्ट पे हम कर सकते हैं, घर में पड़ा हुआ पुराना फर्नीचर, कोई रॉट आयरन की पुरानी चेयर जिनको आप डंप कर चुके हैं उनको उठाइए और गोल्डन कलर का स्प्रे करके एक नया आप लुक दे सकते हैं। कोई भी फर्नीचर जैसे कि आप स्क्रैचेस आ गए हैं या कोई पुराना फर्नीचर है उसके ऊपर आप ब्राउन कलर का पेंट इसमें ले सकते हैं, और ये स्प्रे पेंट के सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं यहाँ पर, देख सकते हैं इस तरीके से आप उसको पेंट कर सकते हैं। अच्छा, जी जी। और इस तरीके से हमें कुछ नहीं करना, सिंपल। अच्छा। आप देख रहे होंगे इस तरीके से पूरी आपकी स्प्रे हो जाएगी। ओके।
अब आप तो ये पूरा कलर चेंज हो गया इस, ये देखिए बिल्कुल गोल्डन। आपकी पैकेजिंग जो ये मैरिज वगैरह का काम करते हैं जिसमें कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, पैकेजिंग का काम होता है जी जी। यहाँ आजकल तो बैंकेट हॉल वगैरह में आप देखते हैं वो लोग ग्रास उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह के ऊपर करते हैं, तो इस तरीके से आप स्प्रे को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फर्नीचर्स को एक नया लुक दे सकते हैं, कलर चेंज हो जाएगा बेसिकली इसमें। और क्या कॉस्ट पड़ेगी मैम पर इसकी स्प्रे की? 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी कलर ऑप्शंस आते हैं, ग्लिटर जो इफेक्ट्स आते हैं, उसके हिसाब से इसके प्राइजेस अलग अलग हो जाते हैं। और ये वॉल के साइड में जो लगा, ये क्या चीज होती है मैम? ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये फॉर्म पैनल्स है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, आपको किसी भी छोटे एरिया को अपना एनहेंस करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसको कवर ये सेल्फ एडहेसिव वॉल पेपर से। अच्छा अच्छा, तो सेल्फ एडहेसिव प्लस पॉइंट है, इसमें कोई फिक्सर की जरूरत नहीं। आप इसको लीजिए, पील की खुद ही लगा लीजिए, खुद ही लगा लीजिए। ये सारे फोम पैनल्स हैं, इस तरीके के सारे डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे। इनके भी प्राइजेस अलग अलग आते हैं। अच्छा। क्योंकि सबकी क्वालिटीज का ही वो है, बट इसमें हमारे कस्टमर्स के लिए सारी ही रेंज अवेलेबल है जी जी। तो आप ये देख रहे हैं जैसे कि आपने पीछे देखा, इस तरीके से आपको ये एक फोम पैनल है। कुशनिंग का इसमें लुक दिया गया है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल कस्टमर ने यहाँ से पीछे ग्लू दे रखा हुआ है बिल्कुल, और वॉल पे प्रेस कर देना है। स्टिकर की तरह आप इसको दीवार पे चिपका सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। ठीक है। आजकल बॉयज को और सभी को ब्रिक का बहुत शौक है, बहुत शौक है, तो काफी ब्रिक काफी पॉपुलर है, ब्रिक बहुत चलती है इसमें बिल्कुल। और बेसिकली ये उनके लिए यूजफुल है जिनके घर में छोटे बच्चे वगैरह हों, तो वो अपने वॉल पे लगा सकते हैं ताकि उनको कहीं भी हर्ट ना हो सब चीजें। टाइम का अगर किसी को कोई रेंट पे आता और कहता है मैम थोड़ा सा चेंज चाहिए उस एरिया में वॉल को करना और जी जी इंस्टॉलेशन नहीं करानी, तो इस तरीके से किसी भी। अच्छा, इसमें मैम पीओपी की होना जरूरी है या नॉर्मल वॉल पे? कोई भी चीज जब हम इंटीरियर में यूज करते हैं वॉल के ऊपर, तो वहाँ उसका स्मूथनेस होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे की हम बेडशीट भी अगर बिछाते हैं उसके नीचे कोई भी चीज होती है तो उस पर्टिकुलर उस एरिया से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, ऐसे ही इसमें होता है की अगर वहाँ पे पीछे कोई भी दिक्कत होगी तो इस तरीके से स्मूथनेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम क्या साइज क्या होता है इसमें? इसमें अलग अलग साइज आते हैं, 2x2 का जैसे ये आप देख रहे थे, मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से। इस तरीके के फॉर्म पैनल्स आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग रेंज और अलग अलग साइजेस में अवेलेबल। तो वुडन डिजाइन, ये सारे डिजाइन सारी मिलने वाली है आप लोगों को जैसा चाहिए, मल्टी कलर्स, किड्स के पैटर्न और मतलब बैम्बू से लुक, मतलब बहुत सारे डिजाइन। और प्राइस रेंज क्या पड़ता है मैम अगर कोई इसको लगवाना चाहे तो? देखिए इसकी स्टार्टिंग जो है हमारे पास अलग अलग प्राइस से हो जाती है, 200 से स्टार्ट हो जाता है। 200 स्क्वायर फीट नहीं, 200 रुपए का पैनल, 200 रुपए का एक पूरा, प्लस इस पे जो जीएसटी आता है वो अलग होता है, 18% जीएसटी अलग होती है हर प्रोडक्ट पे, तो इसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा। तो इनमें भी क्वालिटी आती है जी। अगर कस्टमर कहते हैं ना मैम ये इतने का, वो देखिए हर चीज की क्वालिटी आती है, जिनको क्वालिटी में डील करना होता है वो क्वालिटी को फोकस करते हैं, क्योंकि सस्ती चीज कम चलती है, और ये पुरानी कहावत है कि महंगी चीज ज्यादा चलती है, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज यहाँ आ जाती है। तो मैम ये साइज क्या होगा, 2x2 का बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये 2x2 का, ये 2x2 का मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वुडन में अगर चाहिए इस तरीके का लुक आ जाए। तो ये सारी वैरायटीज आप लोगों ने देखी गाइस, होम डेकोर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर। और रेड एंड वाइन बेसिकली बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, बहुत ही पुराना ब्रांड है इस इंडस्ट्री में, और इनके बहुत ही प्रीमियम कस्टमर हैं जो कि ये लेते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को लेना हो, डील करनी हो, तो आप लोग आ सकते हैं, रिटेल होलसेल सारा ऑप्शन दे रखा है। अगर आप दिल्ली से हो तो मैं सजेस्ट आप लोगों को ये करूँगा कि आप यहाँ पर आओ, लुक एंड फील करके लीजिए, टच करके लीजिए, तो आप लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, गूगल मैप का जो लिंक वगैरह है, सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट करके आ सकते हो यहाँ पर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को पता ही क्या करना है यार, एक लाइक का बटन तो दबा देना, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दो, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबाना है आप लोगों को, और उसे बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रह करिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।